तो आज अपन नोज बना लिया, तो लिप्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये हल्का सा एक कर्व के साथ आता है ये आगे, ठीक है, ये पीछे जाता है थोड़ा यहाँ। अब लिप्स का जो है, पहले तो हल्का सा ये वी शेप देखो, यहाँ पे एक हल्का सा वी शेप है, यही गलती करते हो, ठीक है। हल्का सा वी शेप होना चाहिए यहाँ पे, हल्का सा ये वी शेप, बहुत हल्का सा। उसके बाद वो नीचे आया, ऐसे कर्व के साथ नीचे आया, एक स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह शार्प नहीं रखना, ऐसे आया नीचे कर्व के साथ, ये थोड़ा वी शेप ऊपर उठा और एक कर्व के साथ नीचे आया, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा वी शेप नहीं करना है अपन को, हल्का सा होना चाहिए। फिर लोअर लिप ऐसे बाहर की तरफ एक कर्व सा आएगा, ठीक है, बाहर की तरह एक कर्व सा आएगा, ठीक है। ये लिप हुआ, लिप के नीचे देखो चिन, आप गलती क्या करते हैं, अपन चिन को यहीं से कर्व कर देते हैं, जबकि ये हल्का सा देखो बाहर की तरफ से कर्व है, तो ये यहाँ पे आएगा, हल्का सा बाहर की तरफ कर्व होगा, ठीक है। एकदम ऐसे मत करो कि अब एकदम कर्व, अपन इसे थोड़ा पॉइंट शेप में बनाएंगे, इस तरीके से थोड़ा आगे गया, ठीक है, फिर इस तरीके से थोड़ा नीचे आया, फिर ये देख सकते हो पीछे जा रहा है। तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना कि बहुत छोटा बना दो ये, और ये बहुत ज्यादा लंबा, ये ऐसे इधर की तरफ आया, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा पॉइंट यहाँ पीछे की तरफ जाएगा ये, ठीक है, कैसे, ये पीछे की तरफ गया, और फिर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ, ईयर्स की तरफ गया, ठीक है। तो अपन ने नोज और चिन, लिप्स और चिन बना ली और जॉ लाइन बना ली, ठीक है। तो पहले इतना करो, मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम एकदम ऐसे नीचे लाओ, कर्व के साथ पूरा एक ऊपर ले जाओ, नहीं। मैंने क्या किया, नीचे लाए, आगे लाए, फिर थोड़ा यहाँ किया इस तरीके से, और फिर ये जॉ लाइन गई अपनी, और फिर ये ऊपर आया, ठीक है, इतना करो। तो अब अपन को नोज, नोज कह रहा हूँ, ईयर्स करने हैं। तो ईयर्स पे ध्यान दो, इसके साइड में आएंगे, ये थोड़ा इधर आ गया, ईयर्स का जो लेवल है अपना वो क्या होगा, यहाँ लिप्स के पास, मतलब इस एरिया से, ये जो सर्कल बनाया था ना अपन ने ऐसे, तो ऐसे नहीं बनाने की, कर्व बना दिया अपन ने, ये थोड़ा गड़बड़ था, ये वाली पोजीशन थोड़ी गड़बड़ थी ईयर्स की, अपनी मेन पोजीशन क्या होगी, ये होगी लिप्स के पास से, ईयर्स इस साइड नहीं होंगे, थोड़े यहाँ होंगे। तो यहाँ से ऐसे आए थोड़े बाहर की तरफ, ऐसे थोड़ा फ्लैट, मेरा शेप देखो पहले, ठीक है, ऐसे थोड़े बाहर की तरफ, ये नीचे की तरफ फ्लैट, इस डायरेक्शन में थोड़े, बहुत बड़े नहीं बनाना है अपन को, ध्यान से देखना डायरेक्शन, ये इधर, फिर ये ऊपर की तरफ आया। अभी एक बार गलती क्या करोगे, बहुत ऊपर ले जाओगे, नहीं, ऊपर आए, मैक्सिमम जो इसका है अपन वो कहाँ तक रखते हैं, नोज़ के लेवल तक रहेगा, मतलब अपने ईयर्स मैक्सिमम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। यहाँ आया, यहाँ से कर्व होके ये आया धीरे से, फिर ये आगे की तरफ आया। अब इधर डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर देते अपन, ईयर्स का अंदर की तरफ शेप बनाना होता है इस तरीके से, ये तो अपन अपनी रेफरेंस में देख सकते हैं, इसकी आउटर कवरिंग भी है ये, तो आउटर कवरिंग भी बनानी है अपन को, तो वो कैसे रहती, वो कुछ नहीं रहता, जो अपन ने अभी बनाया उसका एक और ऐसे शेप दे दो अंदर की तरफ से, ये है इस तरीके से, एक शेप दे दिया, इसके अंदर एक और ये शेप दे दिख रहा है, ये वाला शेप, ये भी दे दिया अपन ने इस तरीके से। तो ये अपना ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। इतना करने के बाद अपन को बहुत कुछ नहीं करना है, ये जो दिख रही है अपन को लाइन, यहाँ से ईयर्स से जाती हुई, ठीक है, जॉ लाइन वगैरह, जॉ लाइन के नीचे से ये जा रहा है नेक, और ये पीछे का बैक पार्ट, तो यहाँ से ये आएगा इस तरीके से, और फिर ये नीचे, ठीक है। फिर आगे वाले पार्ट में एकदम से नीचे नहीं आ जाएगा ये, कि एकदम से थोड़ा आगे की तरफ से एक कर्व आएगा, ठीक है, ये शेप बना ही रखे हो सब लोग, कर्व आएगा ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से अब यहाँ से एक थोड़ा शार्प टर्न आएगा नीचे की तरफ ऐसे, ओके। फिर अपन ने इसका कोट बनाना था, ये बनाया, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा,
तो फोरहेड बनाना, फोरहेड यहाँ पे देखो, पहले स्केल रखो फोरहेड पे, तो देख सकते हो फोरहेड है 2 सेंटीमीटर, और फोरहेड किसके पैरेलल है लगभग लगभग, अगर यहाँ स्केल रखोगे तो फोरहेड इसके पैरेलल है लगभग लगभग। तो अपन ने ये बनाया, ये अपन ने जो कर्व ड्रॉ करा था उस पे ऐसे 2 सेंटीमीटर का मार्क लगा के ऐसे हल्के से, तो ये देख सकते हो ये लगभग लगभग इसके पैरेलल है। ओके ये आया, अब इसके बाद ये ऊपर हल स्ट्रेट नहीं है ये लाइन, ये हल्का सा ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हल्का सा ऐसे रहेगी, हल्का सा ऊपर की तरफ। ये कितनी है उसका भी देख लो, ये है 1.5 के आसपास, तो ये 1.5 अपन ने यहाँ मार्क किया। अब यहाँ से देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है ईयर्स पे, तो ईयर्स पे ऐसे हल्का सा आगे जाएगा बहुत, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लाइट तो मैं भी लाइटली ड्रॉ करना है। ये पेंसिल की टिप आगे निकाल लो इस तरीके से, ये कर्व के साथ करो थोड़ा एक हल्के से, और ये तो ये अपने फेस का शेप जो है ये आ जाता है। अब आते हैं अपने हेयर्स का, ठीक है, तो हेयर इतना बना लो पहले, फिर अपन हेयर्स देखते हैं। हेयर्स अपन को ऐसे एकदम स्टाइल से नहीं बनाने, अपन अलग तरीके से बनाएंगे थोड़े, ठीक है, तो इतना बना लो। अब जरा यहाँ ध्यान दो, अपन को हेयर्स बनाने, तो हेयर्स इसके देखो या तो इस तरीके से अपन एक एक हेयर बनाना चालू करें, लेकिन वो क्रॉस हैचिंग वाले में उतने में मजा नहीं आता, तो अपन हेयर कुछ नए तरीके से देखते हैं। तो हेयर अपन टेक्निकली देखे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अपन वैसे कर्व नहीं ले जाना, अपन अपन थोड़ा ऐसे स्क्वायर शेप रखो, जैसे ये आया यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आगे आया, आगे बढ़ा, फिर ये पीछे की तरफ गया ऐसे, फिर ये ऊपर की तरफ गया ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ गया, यहाँ से ईयर्स के पास जो है नीचे आए, और फिर आगे की तरफ ऐसे छोड़ देना है, ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं ले जाना कि इधर लेगा और इधर ऐसे, आगे की तरफ हल्के से छोड़ दो, ठीक है, फिर यहाँ से हेयर्स उठे ऐसे ईयर की कवरिंग करते हुए, ऐसे आए थोड़े ऊपर, ये नीचे, और फिर इसने भी ऊपर छोड़ दो ऐसे, फिर ये वाले जो हेयर आए ऐसे ऊपर की तरफ आए, थोड़े नीचे आए, और फिर ये ऊपर की तरफ छोड़ दो, ठीक है, ध्यान देना जरा मैं कैसे बना रहा हूँ। अब अपन को क्या करना, अपन सारे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि बीच में देखो कुछ डायरेक्शन चेंज है, ये बीच में एकदम से आ रहा है, तो अपन को वो भी अकाउंट में लेना पड़ता है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये बना लिया, फिर जो मोटा मोटा हिसाब है असल में कि ये बना लिया, फिर ऊपर के बना लिया, फिर बीच में जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो बाद में बनाओ, या फिर उन्हें साथ साथ बनाओ, तो दो ऑप्शन रहते हैं, तो पहले उन्हें बाद में बना लो तो ज्यादा आसान रहता है। फिर आगे वाला हिस्सा देखो, ये ऊपर उठा और फिर नीचे आया, तो कैसे हुआ ये, यहाँ से ये धीरे से यहाँ से ऐसे ऊपर उठा और फिर ये नीचे आके ऐसे टर्न मार दिया, ठीक है, फिर ऐसे ऊपर उठा आराम से, ये आगे वाले से उठ रहे जो, तो कैसे हुआ है, एकदम से पीछे नहीं जा रहे, पहले थोड़े आगे आए हल्के से, गलती क्या करोगे बहुत आगे कर दोगे, फिर ये ऊपर की तरफ उठे, बहुत ऊपर नहीं उठाना, डिस्टेंस देख लो कितना है, डिस्टेंस इसका 3 सेंटीमीटर, यहाँ मार्क किया 3 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे 3 सेंटीमीटर, ऐसे आए इधर की तरफ, ऐसे कर्व हो गए हल्के से, ठीक है, फिर ये आया इधर की तरफ, इधर देख सकते हो ये ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये ज्वाइन हुआ अपना इधर और फिर नीचे की तरफ आ गए, ओके ये नीचे की तरफ आ गए, तो ये आगे का ये जो वाला पोर्शन था ये और ये मैंने बना दिया है, इसको जरा आउटलाइन दे दूं मैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये मैंने आगे का मेन पार्ट बना लिया है, पीछे का अब जो अपना बसता है ये बीच में, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट आ रहा है, जैसे ये देखो, तो ये कैसे आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, ये थोड़ा आया ऐसे कर्व होते हुए, ये उठेगा यहाँ पे, ऐसे ज्वाइन नहीं रहेगा इसमें, ये ऐसे उठेगा और फिर नीचे की तरफ ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, बीच में थोड़ा गैप रहेगा, देख सकते हो ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है ये है जो अपन ने छोड़ा है, ठीक है, इस तरीके से, तो जो अभी ये मत टेंशन लो कि एक दूसरे पे क्रॉस कर रहा, मैसी हो रहा, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रॉस लाइन, जैसे मान लो इसमें से निकल गई ये लाइन नीचे, ये इरेज कर लेंगे अपन, लेकिन अपन को एक जो शेप चाहिए वो आ जाना चाहिए, तो अपना ध्यान दो ये एक शॉट में बनना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं बता सकता कि मैं बीच में ब्रेक ले लिया इतना कर लो, वो पूरा एक फ्लो में आता है, तो अभी अपना फ्लो जो है एक हिसाब बना लो कि अपने को इस तरीके के बाल और ले जाने अभी यहाँ पे, ठीक है, इतने,
तो इतने में कैसे आ रहे हैं? जैसे एक ये कर्व आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है? यहां से उठ रहा, नीचे आ रहा और ये ऊपर गया। इसकी आउटलाइनिंग, नीचे आया, ऊपर आया और इस तरीके से नीचे। तो ये देख सकते हो जो एक्स्ट्रा लाइन है वो मैं इरेज कर दूंगा। ये जो पीछे की तरफ बाल जा रहे हैं वो ऐसे नहीं बनते कि पीछे की तरफ अपन ने निकाल दिए, ऐसे आए फ्लैट, ये ऊपर की तरफ गए, फिर ये और फिर ये वापस। ठीक है, ऐसे जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना बाल, ऐसे उन्हें बहते हुए नहीं बनाना, उठे नीचे और फिर ये कर्व। ठीक है, मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, स्टार्टिंग में होता है, अभी इतना बनाओ। देखो एक काम करता हूँ, ये है, अब मैं जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो इरेज कर देता ताकि तुम लोग को आसानी रहे कि मैंने करा क्या है। तो ये हटाया मैंने, ये हटाया, ये जो सर्कल्स वगैरह है ये हटा दिए। ठीक है, ये अब मैं आउटलाइन कर देता हूँ जो फाइनल लाइन मुझे चाहिए है, तो तुम लोग को आसानी रहेगी देख समझने में कि मैंने किया क्या है। ठीक है, ये आया, ये वाला जो पार्ट है वो डार्क पार्ट रहेगा इस तरीके से, ये अपना ईयर। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक दूसरे में क्रॉस नहीं होगा, इस तरीके से अपने बाल बन जाते हैं। ठीक है, अभी एकदम कंप्लीट नहीं है क्योंकि इनमें हैचिंग करना बचता है, लेकिन इतना बना लो। ठीक है, और ये पीछे की तरफ जो जा रहे हैं उन्हें भी ऐसे थोड़ा शेप में रखना है, इसे थोड़े शार्प। ठीक है, तो हैचिंग अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है, अभी पहले इतना करो, इसकी प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 2 से 3 टाइम, जो गलतियां हो रही ना कि नोज अंदर हो गई, चिन ज्यादा गड़बड़ हो गई, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 19-20 का फर्क चलता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो और